18, solo. I still remember long ago when I saw you so cold. I gave my jacket blue and gold. वेलकम बैक टू योर ओन रियल होम मेकिंग चैनल. आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे, बहुत खुश होंगे. एंड वी बोथ आर सो हैप्पी, सो ब्लेस्ड टू हैव ऑल द गुड विशेस. थैंक यू सो मच. आप लोगों ने बहुत सारी विशेस हमें भेजी, अपनी बहुत सारा प्यार हम लोगों को भेजा. आई एम रियली रियली हैप्पी. एंड अंशुल भी बोल रहे थे कि यार सच्ची में ये फैमिली बहुत ज़्यादा अच्छी है ना, कितने हार्ट टचिंग मैसेजेस आते हैं और विशेज आती हैं तो बहुत अच्छा लगता है. तो हम लोग आए हैं नेवी पियर डाउनटाउन अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए. एंड आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड बिकॉज अंशुल ने आज बहुत कुछ अच्छा अच्छा प्लान किया है. तो कीप ऑन वॉचिंग एंड मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि हम लोगों ने किस तरीके से अपनी एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया. अभी हम लोग जा रहे हैं क्रूज राइड के लिए. गोविंद सुपर एक्साइटेड है, भागा भागा जा रहा है, तो अंशुल उसको देख रहे हैं. और वहीं पे आज हम लोगों का लंच है. इस साइड पे आप जो देख रहे हैं ना, ये है लेक मिशिगन. और पीछे आपको दिखेगा ये वाला, ये है फेरिस व्हील. हम लोग इस साल ना मार्च में आए थे शिकागो, तब हम लोग फेरिस व्हील में बैठे थे. नेवी पियर आए हुए हैं हम पहले भी, बट उस टाइम पे हमने सिर्फ ये फेरिस व्हील किया था. एंड कहीं ना मैं और अंशुल दोनों चाहते थे कि हम इस सिटी को और ज़्यादा एक्सप्लोर करें, यहाँ पर आकर रहें. तो हम लोग प्रे कर रहे थे कि उनका इंटरव्यू पॉजिटिव कन्वर्ट हो जाए, फिर हम लोग यहाँ पर आया करेंगे घूमने. एंड जो आप विश करो वो पूरा हो जाता है कभी ना, तो बहुत अच्छा लगता है. बट एनीवेज बहुत अच्छा सा लग रहा है. पानी के पास आके ठंड थोड़ी ज़्यादा लग रही है. अभी तक हम लोग अंदर थे तो थोड़ा सा बॉडी गर्म हो गई है, बट अब बाहर आए हैं तो थोड़ा सा ठंड है फिर से. एंड आई थिंक हमारा क्रूज मुझे सामने दिख रहा है. अंशुल, आर यू एक्साइटेड? यस. आपको पता है हम लोग ना शादी के बाद हनीमून के लिए भी अंडमान गए थे और इतना पानी देख लिया था ना, उसके बाद लग रहा था कि यार अब कुछ टाइम तक हम पानी वाली जगह पर नहीं जाएंगे. फिर हम आए ट्यूसॉन जहाँ पे कोई पानी नहीं था, सिर्फ धूप ही धूप. और अब फाइनली हम आए हैं शिकागो जहाँ पे फिर से पानी पानी है. आई होप कि तुम्हें ये सरप्राइज अच्छा लगा हो. जैसे हमारी पहली एनिवर्सरी थी, हम लोग शिप पर थे. अगेन दिस इज अ क्रूज. वेल, अंडमान टू शिकागो इज अ बिग डिफरेंस. गोविंद, डू यू वांट टू से समथिंग? से हैप्पी एनिवर्सरी मम्मा. से हैप्पी एनिवर्सरी मम्मा डैडी. बोलो. Did you like your Santa gift? Mama pehle, mama. Look at that. Mama and Govind are fighting for the same goggles. Hello. Solo, you feel like not that long ago. Wonder where you have flown. Can't stop thinking about it, no. By the phone, dying down, but let it
गॉड, इतना अच्छा एक्सपीरियंस था ना, मज़ा आ गया. फर्स्ट टाइम लाइफ में हम लोग क्रूज में बैठे थे. अंशुल, आप बैठे हो क्रूज में पहले? नो? तो अंशुल का भी ये पहला एक्सपीरियंस था क्रूज का, बहुत मज़ा आया. शिप में तो हम बैठे हैं, अंडमान में भी, और लास्ट टाइम हम जब सैन डिएगो गए थे वो ट्रैवल ब्लॉग आप देख भी सकते हो, तो उसमें बैठे थे. बट दिस टाइम इट वाज अमेजिंग, बहुत मज़ा आया. और मैं और अंशुल ना क्रूज में बैठ के ये डिस्कस कर रहे थे कि अब जो भी इंडिया से आएगा ना उसको हम यहाँ ज़रूर लाएंगे. हम ट्राई कर रहे हैं कि पहले मम्मी पापा आएँ लखनऊ वाले, क्योंकि उन्हें बहुत टाइम हो गया है हमसे मिले हुए, लाइक अंशुल से मिले हुए. तो अगर वो लोग आएंगे तो डेफिनेटली हम लोग यहाँ पे उनको भी लेकर आएंगे. और बस क्रूज फन हो गया, काफ़ी सारा लंच वगैरह किया. बहुत अच्छा खाना नहीं कहूँगी, खाना नॉर्मल था बट एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था. और अब हम लोग जा रहे हैं फेरिस व्हील में, क्योंकि गोविंद उसके लिए ज़्यादा एक्साइटेड है. दो उसने शिप में भी क्रूज़ में भी बहुत इंजॉय किया. सांता था, सांता को देख के तो वो बहुत हैप्पी हुआ और अपनी सारी टॉय रिक्वेस्ट उसने सांता को रिकॉर्ड करवा दी. गोविंद और जो उसको ये लाइट वाला गॉगल्स मिल गए ना, उसके लिए तो ही इज़ सो क्रेजी, पागल हो गया है वो लड़का. तो अभी चलते हैं फिर इस व्हील में. सेंटिनियल व्हील वॉज सो मच फन, बहुत अच्छा लगता है इसके अंदर बैठ के. और ना बहुत धीरे धीरे रोटेट करते हैं तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप इतने बड़े व्हील में बैठे हो. उसकी हाइट देख के आप बिल्कुल मत घबराना, बट अगर आपको हाइट सिकनेस है तो आप बिल्कुल मत बैठना, क्योंकि अंशुल को होती है और वो बिल्कुल नहीं बैठे. फर्स्ट टाइम जब हमने किया था ना, जब हम मार्च में आए थे, तब वो बैठे थे और उन्हें थोड़ी घबराहट हुई, तो आज वो नीचे ही रहे. मैं और गोविंद बैठे और गोविंद ने तो बहुत मज़ा किया एंड ही वांटेड टू सिट अगेन. वो रोता रोता नीचे उतरा है कि मुझे दोबारा बिठाओ. बट देन हमने कहा कि अब चलो तुम, और आगे के और जो हमारे लोकेशंस हैं वो हम देखते हैं. तो अभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं क्राइस्ट किंडल मार्केट. पुराने टाउन जैसा सेटिंग कर रखा होगा, फेयर लगा रखा होगा, छोटी छोटी दुकानें होंगी, स्ट्रीट फूड मिलेगा. तो मतलब आप मेरे को गिफ्ट कुछ दिलाओगे? सब तुम्हारे ही. आपको पता है मुझसे लड़ रहे थे, बोल रहे थे कि तुमने लास्ट वीडियो में अब बोल दिया है कि तुम 2 साल तक कोई गिफ्ट नहीं मांगोगी, लाइक तुम्हारे गिफ्ट हो गए हैं कार की वजह से, 2 साल अब तुम्हारे गए गिफ्ट के, और अब तुम कोई गिफ्ट मत मांगना, मतलब ऐसे करके बोल रहे थे. आई सेड सिर्फ 2 महीने नहीं मांगूंगी, 3rd महीने फिर कुछ ना कुछ गिफ्ट तो चाहिए ही चाहिए होगा, राइट? वो 2 दिन और 2 घंटे में कन्वर्ट होने वाला है, अभी 2 घंटे में गिफ्ट आएगी. तो हम लोग मार्केट से बाहर आ चुके हैं. बहुत ज़्यादा ठंड थी और भीड़ भी बहुत ज़्यादा थी मार्केट में, इसीलिए कुछ ज़्यादा मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई एंड वहाँ से मैंने कुछ ख़रीदा भी नहीं. तो बस निकल के अब हम लोग आए हैं इंडिया हाउस. इस रेस्टोरेंट के बहुत अच्छे रिव्यूज़ हमने पढ़े थे इंटरनेट पे, तो सोचा आज यही ट्राई करते हैं. तो सबसे पहले एपेटाइज़र में मैंने मंगाया है अपना फेवरेट पापड़ी चाट एंड ये बहुत ज़्यादा टेस्टी थी. एंड इनफैक्ट सारा ही फूड बहुत ज़्यादा अच्छा था और भूखे भी हम बहुत ज़्यादा थे, तो बस खाना देख के टूट पड़े हैं खाने पे. तो ये हमने मलाई पनीर और दाल मखनी मंगाई थी. दाल मखनी मेरी फेवरेट है. और कांधारी नान और जयपुरी नान मंगाई थी. कांधारी नान वॉज सो डिलीशियस. इसके अंदर पिस्ताचियोस का पेस्ट फिल्ड था, तो बहुत यमी खाना था. और खाना खाने के बाद एकदम फिल हो चुके थे हम, बट उन्होंने हमें कॉम्प्लीमेंट्री स्वीट डिश दी थी. और ये है रस मलाई जो हमने एज अ केक कट की है अभी, और बस इसको इंजॉय करके वापस घर की तरफ निकलेंगे. फ्रेंड्स,
कल आने के बाद मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी और उसके बाद मैं कुछ भी व्लॉग नहीं कर पाई क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा थी बाहर, जिसकी वजह से ना बॉडी बहुत ज़्यादा टायर्ड फील कर रही थी और गोविंद भी बहुत क्रैंकी हो रहा था क्योंकि वो भी बहुत टायर्ड हो गया था। तो मैंने सोचा नेक्स्ट मॉर्निंग आप लोगों के साथ बात करूँगी और एक अच्छे से इस व्लॉग को एंड करूँगी। तो यस, कल का दिन बहुत ब्यूटिफुल था, हम लोगों ने बहुत सारा इन्जॉय किया एंड जो क्रूज़ पार्ट था ना कल की दिन का वो बेस्ट था क्योंकि यू नो हम हमेशा बचपन से टाइटैनिक हमने मूवी देखी थी और उस पर हमने देखा था कि ऐसे शिप में बैठ के सब लोग डाइन करते हैं और डांस होता है, इतना सब कुछ होता है। तो आज तक मैं ऐसे क्रूज में कभी नहीं बैठी थी। शिप में हम बैठे हैं अंडमान में और सैंडियागो लास्ट टाइम गए थे उसमें भी बैठे थे, बट यस क्रूज एक्सपीरियंस वॉज समथिंग डिफरेंट, बहुत अच्छा लगा मुझे, इट वॉज रियली रियली स्पेशल टू मी एंड या हम सब ने बहुत सारा इंजॉय किया एंड होप करती हूँ आपने भी ये व्लॉग इंजॉय किया होगा। थैंक यू सो मच इतने प्यारे प्यारे विशेष सेंड करने के लिए, लव यू ऑल फॉर ऑल द गुड विशेज एंड सपोर्ट दैट यू शावर ऑन अस, लव यू। एंड इसके साथ इस व्लॉग को यहीं खत्म करते हैं, होप करते हैं आपने इंजॉय किया होगा। अगर इंजॉय किया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ जो इस तरीके के अच्छे अच्छे व्लॉग्स देखना पसंद करते हैं। फिर से मिलेंगे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए आप ढेर सारा अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड ढेर सारा अपना ख्याल रखिए, बाय बाय। और घर की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, ढेर कपड़ा है जो मुझे आज वॉश करना है क्योंकि कमिंग वीक के लिए रेडी करना है, घर को पूरा मेस्ड अप है। तो मैं फटाफट से लगूंगी काम करने के लिए और उसके बाद आप लोगों के साथ व्लॉग शेयर करूंगी।